हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ज्योति। तो आज मैं अपना व्लॉग जो है मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग से। तो आप टाइम देख सकते हो, आप 6:30 हो रहा है और डेट है आज 22 फरवरी। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज है मेरी बेटी का फर्स्ट डे स्कूल का, तो आज उसको स्कूल जाना है। तो आज से जो मेरा रूटीन होगा कुछ ऐसा ही होगा, सुबह जल्दी उठना क्योंकि उसका टाइम होता है स्कूल जाने का 9 बजे, और 9 साढ़े 9 बजे करीब उसको भेजना होता है। तो आज जो है मैंने उसको भेजा था 9:15 बजे, पास में ही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बेटे का स्कूल शुरू हो गया है। इस दिन का कब से इंतज़ार था मुझे, आखिर वो दिन आ ही गया। तो बस बाहर जो मैं हमेशा रात को बैग टांग देती हूँ, तो उसमें दूध भैया रख कर चले गए थे, बैल बजा देते हैं तो 5 साढ़े 5 बजे करीब दूध आ जाता है। और ये वाला दूध जो है मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, तो उसको अच्छे से वॉश कर दिया है दूध को, और बस अभी मैं इसको उबाल रही हूँ। और बराबर में जो रात के बर्तन भी धुले हुए थे तो उनको भी मुझे लगाना है क्योंकि सब सूख जाते हैं, और गर्मियाँ जो है शुरू हो गई है ना, तो अब बर्तन सारे ही सूख जाते हैं। मैं रात में अब बाहर नहीं रखती हूँ, पहले रख देती थी तो अब नहीं रखती हूँ क्योंकि वहाँ पर चूहे आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, क्योंकि एक बार मैंने रात को देख लिया था इसलिए फिर मैंने बाहर बालकनी में नहीं रखती हूँ। तो इसलिए जो बालकनी सॉरी जो किचन का गेट है ना, उसको मैं अब हमेशा ही बंद करके रखती हूँ, अब उसको खोल के नहीं रखती क्योंकि फिर वो अंदर भी आ सकता है। तो बस अभी बर्तन लगाने के बाद जो भी काम होते हैं सुबह के वो मैं सारे ख़त्म करूँगी। अभी मेरी झाड़ू लग रही है, और ना मैंने भगवान जी के गाने भी चलाए हुए हैं, अच्छे लगते हैं मुझे सुबह। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा ही मैं सुबह लगा लेती हूँ गाने, तो सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है और अच्छा भी लगता है। गुड मॉर्निंग, टीवी की आवाज़ कम कर रही हो क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है ना, तो मैंने भगवान जी के गाने चला रखे हैं तो सुबह सुबह अच्छे लगते हैं। और अब मैं लगाने जा रही हूँ अपने बालों में ये चावल का पानी, तो बाल सही रहते हैं इससे। और थोड़े से मैंने बाल ना नीचे से काट लिए हैं, अपने हस्बैंड से कटवा लिए थे, थोड़े से ही कटवाए हैं तो थोड़े से पहले से ठीक लग रहे हैं। सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बालों में चावल का पानी यूज़ करती हूँ, और ये फेस पे भी लगा सकते हैं। और अभी मैंने सोचा कि पहले लगा लेती हूँ जब तक ये सूख भी जाएंगे, और उसके बाद इसको लगाने के बाद मेरा पोंछा रह गया है तो पोंछा नहीं लगाया अभी, तो पहले ये कर लेती हूँ, ये काम जल्दी हो जाएगा। और आज है आरना का फर्स्ट डे स्कूल का, तो वो उसको उठाऊंगी 8 बजे करीब उठाऊंगी उसको, और उसके लिए भी लंच भी तैयार करना है मुझे। तो अभी टाइम 7:15 हो रहा है, 7:15। और इसको जो होता है ना, इसको जड़ों से लगाना चाहिए, इस तरीके से मांग करके और इस तरीके से स्प्रे कर लेना है, तो काफ़ी अच्छा है ये बालों के लिए, तो अच्छा है। और एक और चीज़ इसमें आपको एक और चीज़ टिप देती हूँ, ये ना पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसका जो पानी है ना चावल का, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और आमने के लिए बनाना है मुझे, पनीर रखा हुआ है तो मैं सोच रही पनीर की भुजिया बना देती हूँ क्योंकि वो खा लेती है, तो वो बना दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, आना स्कूल जा रही है, आज जाएगी, इस दिन का तो कब से इंतजार था मुझे। चलिए पहले ये लगा लेती हूँ, और मैंने आवाज़ कम कर लिया तो उसको भी फूल कर रही हूँ क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आपसे मैं बात नहीं मिलती हूँ।
तो घर का मेरा आधा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मॉपिंग भी हो चुकी है, मैं नहाकर भी आ गई हूँ, पूजा भी हो गई है। तो बस अभी मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, और जो रात को ना मैंने कपड़े भी वॉश किए थे तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं। तो धूप जो है आ चुकी है, और टाइम जो है अभी बज गया है 8:15। तो अभी जाकर मैं आरना को उठाऊँगी। टॉवल जो है ना वो अभी मैं बाहर ही अच्छे से बालों को सुखा के यहीं डाल दूँगी। और आरना का भी अभी उठने का टाइम हो गया है, उसको भी उठाना है क्योंकि फर्स्ट डे है उसका। तो हर माँ को यही लगा रहता है कि फर्स्ट डे वाले दिन बहुत अच्छे से जाए, जल्दी जाए, और एक जो है ना उसका रूटीन भी बन जाएगा। तो अगर मैं आरना का रूटीन अभी से स्टार्ट करूँगी ना तो उसको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। स्कूल जाओ फिर ना, आज गुड मॉर्निंग आज ना बच्चा, सुबह हो गई और बेटी सुबह हो गई, आरना के लिए अभी मैंने पराठा बना रही हूँ। एक तो पराठा इसके खाने के लिए बनाऊँगी अभी, और दूसरा जो पराठा है वो मैं बनाऊँगी, आरना को लंच में देना है मुझे। तो जो पनीर की भुजिया है ना वो भी बन चुकी है। तो आरना को दो टिफ़िन मुझे पैक करने हैं। मैम ने बोला था कि एक में तो आप फ्रूट्स रखना और दूसरे में जो भी आप लंच में देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो मैं उसका दो लंच पैक करूँगी, और बस अभी आनों को एक पराठा खिलाने के बाद, क्योंकि वो धीरे धीरे खाती है ना, फिर उसके बाद मैं उसको नहलाने के लिए लेकर जाऊँगी, उसको रेडी कर दूँगी। वो रेडी होके बैठ चुकी है। तो आना की टिफ़िन है, लंच बॉक्स है दो, और बॉटल है पानी की। तो बस उसके बैग में मैं रख दूंगी, सारी चीज़ें देख कर रखूंगी, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा सा लगता है ना माँ को कि फर्स्ट डे वाले दिन बच्चा अच्छे से जाए। वैसे आरना को ना स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो आज रोए नहीं, बट वो नहीं रोई थी, क्योंकि जब वो 2 साल की हुई तो वो बच्चों को देखती थी जाते हुए, तो वो हमेशा कहती थी कि मामा मुझे भी जाना है। बट फिर वो उसकी जब उम्र हुई स्कूल जाने की तो लॉकडाउन हो गया, तो उस वजह से वो नहीं जा पाई। तो काफ़ी लेट जा रही है, बट बहुत अच्छे से गई थी फर्स्ट डे भी। देखिए मेरे पति देव उत्पम बना रहे हैं, और मैं ना आरना को छोड़कर आई थी तो ये इतने बना चुके हैं 3, और दूध भी आया था तो उन्होंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए ये बना रहे हैं, ये दिखाना जरा एक बार, इसका ये पैकेट दिखाओ, ये आपने देखा होगा ये बना हुआ आता है। तो ये है बैटर, इससे इडली बना सकते हैं, डोसा ही बना सकते हैं, और उत्पम भी बना सकते हैं। तो इसमें काट के रख देंगे, और आरना चले गई है स्कूल, तो अब जाके पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं अपना बेडरूम साफ कर कर आऊँगी। और ये इस पे डाल रहे हैं शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर बारीक बारीक काट लिया, ये भी दिखा दीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो हमारे पति बना रहे हैं आज नाश्ता और हम बैठ के करेंगे आज नाश्ता। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे थोड़ी सी देर में।
4:30 हो रहे हैं शाम के, 4:30 ना, हाँ 4:30 हो रहे हैं। दोपहर में मैं वीडियो कंटिन्यू हो ही नहीं पाया क्योंकि आवना को छोड़कर आई थी, फिर वही थोड़ा सा मैं टीवी देखने लगी और टीवी देखते देखते, क्योंकि कितने महीनों बाद मैंने इतने आराम से टीवी देखा है, नहीं तो वो हमेशा हार नहीं देखती रहती थी। तो अपना फेवरेट एक सीरियल देखा, मतलब जो वेब सीरीज होती है वो, और फिर उतने देर आना का लेने का भी टाइम हो गया था तो उसको फिर लेने गई थी। 1 बजे उसको लेकर आई, उसको खाना खिलाया, हमने खाया, थोड़ा सा बैठे, फिर वही दोबारा टीवी, आना अपना टीवी देख रही थी कार्टून, तो देखते देखते हम दोनों की आंख लग गई तो सोफे पे सो गए हम दोनों। फिर उठे 3:30 बजे करीब उठे थे, उठे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, कपड़े बाहर सूख रहे थे, रात को कपड़े धोए थे मैंने तो वो बाहर सूख रहे थे, उसको उतार के लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो वीडियो को एंड भी नहीं किया, तो मैंने तो सोचा चलो थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ और वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो बस यही था आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, ठीक है, और बस अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखिए मैंने आज कुछ नहीं किया हुआ तो आंखें कैसी लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं हमेशा ही लाइनर लगाकर हमेशा रखती हूँ क्योंकि मुझे लाइनर लगाना बहुत अच्छा लगता है, और आज नहीं लगाया तो आंखें बड़ी अजीब सी लग रही है, अभी जाके तैयार होती हूँ। चलिए मैं लेंगे अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, बस चलिए बाय बाय।